नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम बिहार का, तो रुक करते हैं बिहार की पहली खबर की ओर। खबर नालंदा से है, जहां भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा इन दिनों खूब चर्चित में है। बीते दिन वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के रहुई प्रखंड अंतर्गत इमामगंज गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने मृतक एयरफोर्स जवान रंजीत कुमार के परिजनों से मुलाकात की, जिनकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते बिहार में बढ़ते अपराध पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा जिले में भी अपराध चरम पर है। यहां अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार खुलेआम हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति में बिहार सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक तुष्टिकरण, और अब विशेष राज का रोना रो करके लोगों को वरगला रहे हैं। जो सत्ता में बैठा व्यक्ति लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकता, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकता, वह व्यक्ति सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। ये जितना दिन भी सत्ता में रहेंगे बिहार उतना बर्बाद होगा। इनको सत्ता से हर हाल में हटाना हम सबों की जिम्मेवारी है, और अब ये लड़ाई पूरे सड़क से सदन तक चलेगी। खबर बिहार के सहरसा में जाति गणना में वैश्य समाज की संख्या कम दिखाने को लेकर सरकार के विरुद्ध वैश्य समाज के लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने में मोतिहारी में ढाका के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, रितेश रंजन, महामाया चौधरी, बजरंग गुप्ता, डॉक्टर विजय शंकर, डॉक्टर शैलेंद्र सहित कई वैश्य समाज के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन आरपीएफ कांस्टेबल की बहादुरी और जाबाजी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल परिवार के साथ विपरीत दिशा में ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और वह हाथों में सहारे ट्रेन पर लटकती रही। तभी मसीहा बनकर आरपीएफ के जवानों ने दौड़कर महिला की जान बचाई। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित एक माध्यमिक स्कूल में प्रार्थना के दौरान पीपल के पेड़ की डाली गिर जाने के बाद चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 10 बच्चे एवं एक महिला शिक्षक घायल हो गई। इनमें से 5 बच्चों को SKMCH में भर्ती कराया गया। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं नवनियुक्त महिला शिक्षक प्रियंका शर्मा को भी चोट आई है। सवेरे का समय था, प्रार्थना का टाइम था, बच्चे लोग प्रार्थना के लिए खड़े थे, उसी क्रम में पेड़ का डांर जो है गिर करके बच्चे लोग पर गिर गया, इसके कारण वो डैमेज हुए हैं। इसका कंप्लेन हम लोग कई बार किए हैं कि भाई ये पेड़ कटना चाहिए या डांर कटना चाहिए, स्कूल जर्जर है, इसका भी कंप्लेन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और इस पर सुनवाई होना चाहिए, पेड़ कटना चाहिए, नया भवन बनना चाहिए, स्कूल का प्रांगण में ग्राउंड होना चाहिए, घेरावा वो सब होना चाहिए, जरूरी है। कभी भी अप्रिय घटना अभी तो सामने घटा, फिर भी हो सकता है कुछ भी घट सकता है। कितने बच्चे घायल हुए हैं इसमें? 5-7 बच्चे घायल हैं। कैसे मैडम घटना घटी? आप यहीं पे थे? सर, ये प्रेयर हो रही थी उस टाइम पे घटना। अचानक पेड़ गिर डाल गिरी थी? डाल अचानक गिरी थी। आप वहीं पे थे? जी जी, प्रेयर हम लोग करा रहे थे, खत्म होने वाली थी, बच्चे जाने वाले थे, उसी दौरान। कितने बच्चे इसमें लगभग घायल हुए? सर 5 घायल हुए हैं जो हॉस्पिटल गए, बाकी अपने जो गार्जियन है वो ले गए बच्चों को इलाज के लिए। हाँ, मतलब गाँव में ही हुआ था तो ले गए थे। खबर बिहार के नालंदा से है। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के बेहटा सरमेरा राजमार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सरमेरा सीवा के पास SH-73 को घंटों तक जाम कर दिया। वहीं सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष को आश्वासन के बाद जाम हटाया गया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका। गाड़ी से जा रहे थे ललपुरा, चाची से जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे। कितने लोग? सिंगल लोग थे, एक डबल दूसरा बाइक में भी जाके
टकरा के वो भी बाइक वाला भर्ती है, ये स्पॉट डेट हो गया। क्या चीज से ठोकर लगा है? बलोरो से। कैसे क्या हुआ था? आगे आगे जा रहे थे, पीछे से बलोरो वाला आके मार दिया, ठोक दिया। खबर बिहार से है, जहां मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने की नियत से हथियारदार 8 से 10 लोगों ने जमीन मालिक पर हमला बोल दिया। जमीन मालिक ललन सिंह ने बताया कि मैं अपने जमीन पर काम कर रहा था, जहां हथियार से लैस होकर 4-5 गाड़ी से लगभग 8 से 10 आदमी आए थे। उन लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के साथ ही मेरी जेब में रखे 50,000 रुपए और गले की चैन उन लोगों ने छीन ली। वहीं 112 नंबर पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर बिहार से है, जहां एनटीपीसी में मेट्रो ड्रम एकेडमी स्कूल सोशल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन मंदाकिनी क्लब की प्रेसिडेंट संगीता गोयल ने किया। स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन दिखाए। वहीं बच्चों ने इलेक्शन के इस्तेमाल होने वाले ईवीएम मशीन को दिखाया, तो किसी ने भारत के मानचित्र पर होने वाली फसलों को दर्शाते हुए भारत को कृषि प्रधान देश बताया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।